So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to continue our company audit questions. See, आपको पता होगा कि हम company audit के questions तो religiously कर रहे थे और हमने around 22 questions तक कर लिए थे. इसमें around 78 questions थे. अब point ये आ रहा था कि इसमें बीच में कारों के भी questions आ रहे थे, तो हमको पहले लगा कि इंस्टेड ऑफ हम क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, हम पहले कारों को एक बार समझ लेते हैं, कारों के क्वेश्चन आंसर को सेपरेटली देख लेते हैं. तो हमने पर्टिकुलर एक पीडीएफ थी, वो पीडीएफ हमने डाउनलोड कर ली टेलीग्राम से और हमने जो है कारों के सारे क्वेश्चंस देखे. ठीक है, अब कारों के क्वेश्चंस देखने के बाद मतलब अब सिर्फ कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस बचे हैं और ठीक है और दूसरे क्वेश्चंस आएंगे, पर एटलीस्ट जो एक कारों वाला सेगमेंट था हमने वो ओवर किया. तो अब इस पीडीएफ में जब भी कारों के कोई से क्वेश्चंस आएंगे और वो हमारे जो करे हुए रहेंगे तो हम उसको नहीं देखेंगे. ठीक है, बट फिर भी इसमें जो है आपको पता ही होगा कि इसमें डिविडेंड और अकाउंट्स के क्वेश्चन भी उन्होंने एंटर कर दिए हैं. शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस तक इसमें हैं. तो इस कारण से क्या हो रहा है कि आपको वो जो टिपिकल कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिल रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन मिल रहे हैं. ठीक है, तो ठीक है हम जो है वो भी क्वेश्चन करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं 23 क्वेश्चन से. जो मिरांडा स्पिनिंग व्हील से सिक कंपनी है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस 10 करोड़ है, कंपनी हैज़ 12 करोड़ इन शेयर प्रीमियम अकाउंट. तो सिक कंपनी है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है 10 करोड़, 12 करोड़ ठीक है शेयर प्रीमियम अकाउंट में है. मैनेजमेंट ने डिज़ायर करा है कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस को शेयर प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं. ये कंपनी ऑडिट का टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये सेपरेट अलग से क्वेश्चन आया है. तो देखो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, एक तो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक है, उसके बाद जो है सेक्शन 52 डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, कि जो प्रीमियम आपको रिसीव होता है उसको कैसे आप अप्लाई करते हो. तो इनका बोलना है कि आप कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो जो प्रीमियम है वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हो. फिर ये बोला है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है राइट मे बी अप्लाई बाय कंपनी, वो कंपनी कैसे यूज़ करेगी. आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है, उससे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर उसको राइट ऑफ कर सकते हो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को जो है वो राइट ऑफ कर सकते हो. ठीक है, या आपने अगर डिस्काउंट पे कुछ इशू करा है तो वो इधर यूज़ हो सकता है. तो यूज़ ने बी अप्लाइड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और फॉर कमीशन और डिस्काउंट जो अलाउ करा है एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स, जो कमीशन पे करे हैं वो प्रीमियम से सेट ऑफ हो सकते हैं. अब आपको हो सकता है रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करना हो, ठीक है, तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन. बायबैक करना हो, अपने शेयर परचेस करना हो तो बायबैक आ गया. ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग इधर हो सकता है. तो एक बार लिस्ट बना लेते हैं. ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. अ कंपनी हैज़ डिस्क्लोज्ड, कंपनी ने डिस्क्लोज करा परफॉर्मेंस गारंटी, काउंटर गारंटी, कंटिजेंट लायबिलिटी जैसे. दूसरा, पेरेंट कंपनी ने रिकॉग्नाइज करा, चलो ठीक है पहले ही करते हैं, कि कंपनी ने परफॉर्मेंस गारंटी और काउंटर गारंटी कंटिजेंट लायबिलिटी जैसे डिस्क्लोज करा. तो कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो गारंटी के रिस्पेक्ट में अराइज होती है व्हेन कंपनी ने गारंटी इशू करी है किसी अनदर पर्सन को थर्ड पार्टी के बिहाफ पे, कि ठीक है मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ तेरे बिहाफ पे. ठीक है, जैसे कि गारंटी द लोन जो आपने लोन सब्सिडियरी को दिया है या किसी भी कंपनी को दिया है, ठीक है, तो आप गारंटी दे रहे हो लोन के रिस्पेक्ट में होता है गारंटी देना इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, या ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी कर देगा मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ. ठीक है, तो कोई दूसरा अपना काम पूरा कर देगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, पर मेरा काम इधर तो ये बोला ना परफॉर्मेंस गारंटी काउंटर गारंटी क्या लिखा हुआ है, कंपनी अंडरटेक टू परफॉर्म इट्स ओन ऑब्लिगेशन. हावर वेयर अ कंपनी अंडरटेक टू परफॉर्म, जब वो खुद का ही ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फॉर दिस पर्पज व्हाट इज़ कॉल्ड गारंटी, तब गारंटी क्या होगा, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ कंटिजेंट लायबिलिटी. व्हाट इज कॉल्ड गारंटी, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ कंटिजेंट लायबिलिटी एंड इट इज मिसलीडिंग टू शो सच आइटम एज कंटिजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट. ठीक है, मतलब कि थर्ड पार्टी के बिहाफ पे आप किसी दूसरे पर्सन को इशू करो गारंटी, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, पर अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए आप गारंटी दे रहे हो,
ठीक है, तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं हुई, ये मिसलीडिंग हुआ, तो बोल रहे हैं कि इट इज़ मिसलीडिंग टू शो सच आइटम एज कंटीजेंट लाइबिलिटी फॉर वेरियस रीजन। इट इज़ कस्टमरी फॉर गारंटीज टू बी इशूड बाय बैंकर, ठीक है, फॉर जैसे पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी है, फॉर दिस पर्पज कंपनी इशू काउंटर गारंटी टू द बैंकर। देखो एक तो हो गया हमारा परफॉर्मेंस गारंटी की बात हो गई, काउंटर गारंटी की बात वो ऐसे कर रहे हैं कि एक कस्टमरी, इट इज़ कस्टमरी फॉर गारंटी टू बी इशू बाय बैंकर, कुछ कुछ केस में गारंटी जो है बैंकर इशू करते, जैसे कि ये पे कर देगा, LC जैसे इशू करते, ये सब करती ना बैंक इसके पर्पज़ के लिए। फिर जो कंपनी उनको काउंटर गारंटी देती है बैंकर को कि देखो आप उधर पे कर दो, मैं आपको पे कर दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो काउंटर गारंटी भी कोई गारंटी नहीं होती, मतलब समझ रहे हो, गारंटी कंपनी अंडरटेक करे टू परफॉर्म इट्स ओन ऑब्लिगेशन वो गारंटी नहीं है, और काउंटर गारंटी देना गारंटी नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, बट इज़ एन अंडरटेकिंग टू परफॉर्म वॉट इज़ इन एनी इवेंट द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी नेमली टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम एंड डिमांडेड एंड टू मेक डेफर पेमेंट मैन ड्यू, हैंड सच परफॉर्मेंस गारंटी काउंटर गारंटी वो डिस्क्लोज नहीं होगी। तो ये भी शेड्यूल 3 का एक अच्छा क्वेश्चन था। रही बात है एक और कि पेरेंट कंपनी ने रिकोगनाइज करा है इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द पेरेंट कंपनी हैज़ रिकोगनाइज इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रिकोगनाइज करा है डिविडेंड डिक्लेयर बाय इट सब्सिडियरी, क्योंकि आपने सब्सिडियरी में लगाया ना, आपने शेयर खरीदे ना उसके, ठीक है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करा सब्सिडियरी ने बैलेंस शीट डेट के बाद, ठीक है। तो ठीक है, तो उसमें हमको क्या लेना देना शेड्यूल 3, क्योंकि हमको जो है विथ रेफरेंस टू शेड्यूल 3 बात करनी। शेड्यूल 3 डिविडेंड डिक्लेयर के रिकॉग्निशन की बात थोड़ी ना करता है, ठीक है, हम तो जो डिविडेंड हमारी इनकम है वो AS 9 के हिसाब से चलेगा। तो जब राइट टू रिसीव है, ठीक है, अगर वो बैलेंस शीट डेट या उसके पहले है तो हम उसको डिक्लेयर कर, हम उसको ले लेंगे, एंटर कर देंगे बैलेंस शीट में, हम उसकी एंट्री कर लेंगे। और इधर तो जो है डिक्लेयर तो बाद में किया है, मतलब राइट टू रिसीव बाद में हुआ है, ठीक है। और राइट टू रिसीव होता क्या है, जब डिविडेंड अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर, ठीक है, तो डिविडेंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर एट AGM, मतलब मेंबर करते हैं AGM में, तो राइट टू रिसीव ही बाद में आया है। तो जो ट्रीटमेंट अगर आपने इसको एंटर कर दिया है तो वो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। और इधर पेरेंट कंपनी ने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर दिया करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक, तो गलत हो गया ना। जब बाद में राइट रिसीव हुआ है आपको, डिविडेंड डिक्लेयर बाद में राइट रिसीव हुआ है, तो आप बाद में इसको बुक करो। ओके, अब आता है कि कंपनी हैज़ डिस्क्लोज परफॉर्मेंस गारंटी काउंटर गारंटी एज कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो भैया ऐसा है कि नहीं होगा ये कंटिजेंट लाइबिलिटी। परफॉर्मेंस गारंटी में तो यही है कि आप जो है गारंटी दे रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन ऑब्लिगेशंस, तो वो नहीं होगा। अगर आप गारंटी दे रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, वो गारंटी कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। और काउंटर गारंटी बैंक को देना वो भी कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं है, वो तो एक अंडरटेकिंग है, ऐसा करते हुए हमने पूरा पढ़ा था। एंड एक और, कंपनी हैज़ क्लब्ड ऑल एक्सपेंडिचर अंडर द हेड अदर एक्सपेंसेस, उसने सारे एक्सपेंडिचर को क्लब कर दिया और अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू और 5000 विच एवर इज हायर, मतलब समझो क्या किया इनने, कि अगर एक्सपेंस 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू है या 5000 है, दोनों में से जो भी हायर है, ठीक है, वो सब अदर एक्सपेंसेस में चले गए। तो ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस है जो क्लासीफाई नहीं है हेड्स में, जो हेड्स में क्लासीफाई नहीं हो पा रहे, उसको हम अदर एक्सपेंसेस में ले जाते हैं। तो ठीक है, जो है आप एक्सपेंसेस जो है आप अदर एक्सपेंसेस में ले जाओ अगर वो इधर उधर क्लासीफाई नहीं हो रहे, तो अदर एक्सपेंसेस में तब ले जाते हैं जब इधर उधर क्लासीफाई नहीं हो पा रहे, ठीक है, तब लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी ले जाओ, उधर तब लिया जाता है जब क्लासीफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया नहीं होता है ले जाने का, ठीक है, इसलिए ये क्राइटेरिया जो है नॉट इन ऑर्डर है। अब देखो हमारा तीसरा जो है कि कंपनी ने शो करा डीटीएल अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड डीटीए अंडर नॉन करेंट एसेट, तो भैया आपको तो नेट करके शो करना रहता है, तो आपने ऐसे क्यों शो करा, राइट, तो इसलिए जो डीटीए और डीटीएल है आपने सेपरेटली शो करा वो करेक्ट नहीं है, आपको नेट में शो करना है। अब देखो शेड्यूल 3 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन ये लेकर आए हैं शेड्यूल 3 के, क्या लिखा हुआ है, जेड लिमिटेड हैज़ फ्लेक्सी डिपॉजिट,
फ्लैक्सी डिपॉजिट लिंक्ड विद करंट अकाउंट, तो जेड लिमिटेड हैज़ फ्लैक्सी डिपॉजिट लिंक्ड करंट अकाउंट, अच्छा ओके, हैज़ फ्लैक्सी डिपॉजिट लिंक्ड करंट अकाउंट विद वेरियस बैंक, चेक आर इशूड फ्रॉम द करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट से चेक इशू करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड, ठीक है, द फ्लैक्सी डिपॉजिट्स आर इन कैश। तो देखो ऐसा है कि चेक तो करंट अकाउंट से इशू होते हैं, और रही बातें तो फ्लैक्सी डिपॉजिट जब पैसे जमा करने रहते हैं तो फ्लैक्सी डिपॉजिट इन कैश एंड वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ऐसा नहीं 31 मार्च सर्टन चेक इशू टू वेंडर, वेंडर को इशू करे, वो आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो हमने वेंडर को इशू करे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रिजल्टिंग इन दी क्रेडिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो इन द कंपनी की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस शो करा था, ठीक है, बनती बात है कि आपने इधर से चेक इशू कर दिया तो आप तो यही मानोगे कि चेक गया, तो आपने जो है चेक इशू कर रहे थे तो ओडी हो गया, ओडी ले रहे हो, ठीक है ना, सीसीओडी की लिमिट है। मैनेजमेंट वांट टू प्रेजेंट द बुक ऑर्डर अंडर करंट लाइबिलिटी एंड फ्लैक्सी डिपॉजिट अंडर कैश एंड बैंक बैलेंस, तो क्या कर सकते हैं क्या कि जो ओवरड्राफ्ट है उसको करंट लाइबिलिटी में ले जाओ, तो ये तो नहीं कर सकते ना शायद तक। देखो पॉइंट ये है कि फ्लैक्सी डिपॉजिट कैश एंड बैंक में ले जाना और बुक ओवरड्राफ्ट को करंट लाइबिलिटी में ले जाना, सबसे पहले हम कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो उसमें बैंक बैलेंस आता है, ठीक है, चेक्स आपके पास जो अभी हाथ में है पर आपने प्रेजेंट नहीं करा है, प्रेजेंट करोगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो चेक ऑन हैंड, फिर आ जाता है कैश और अदर्स, ठीक है। अब जैसे कि कुछ रहता है ना ईयर मार्क्ड बैलेंस रहता है, ठीक है, तो जैसे कुछ अमाउंट है वो ईयर मार्क्ड है वो उसके लिए ही यूज़ होगा, तो उसको आपको सेपरेटली बताना पड़ता है। और जैसे कि रहता है कि जैसे मार्जिन मनी, ठीक है, बैलेंस इज बैंक टू द एक्सटेंट हेल्ड एज, मतलब ये वही ईयर मार्क्ड हो गया एक तरीके से कि मार्जिन मनी है, या सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरिंग, क्या आपने कुछ बोरिंग ली थी और इसके रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी जैसे है, ठीक है, और अदर गारंटी अदर कमिटमेंट्स ये सब सेपरेटली डिस्क्लोज करो। कुछ आपके रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, उसको भी सेपरेटली बताना पड़ता है। कुछ डिपॉजिट से 12 महीने से ज़्यादा उसको भी सेपरेटली बताना पड़ता है। तो देखो ऐसा है कि पहले तो ये बोल दिया कि इक्विवेलेंट में आता क्या क्या है, ठीक है, बैंक कैश इन हैंड और ये तो आता ही है, चेक्स ऑन हैंड और अदर्स। फिर ये बोल दिया कि वो जो ईयर मार्क बैलेंस होते हैं, मार्जिन मनी होता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरिंग गारंटी अदर कमिटमेंट रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और इनफैक्ट जो डिपॉजिट्स है जो 12 महीने से ज़्यादा उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। फॉर द फैक्ट ऑफ द केस इट इज़ एविडेंट डेट इन सब्सटेंस में देखा जाए द पोजिशन इज डेट द कंपोजिट बैंक बैलेंस इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ फ्लैक्सी डिपॉजिट आर पॉजिटिव इवन दो फिजिकल सेट ऑफ हैज़ नॉट बीन मेड एज ऑन बैलेंस डेट। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हो कि आपके पास फ्लैक्सी डिपॉजिट है और ओडी है, ठीक है, तो आप ओडी को करंट लाइबिलिटी में ले जा रहे हो, डिपॉजिट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जा रहे हो। वो बोलना चाह रहे हैं कि जब आप कंपोजिट करोगे बैंक बैलेंस तो जो बैलेंस फ्लैक्सी डिपॉजिट इंक्लूडिंग द बैलेंस इन फ्लैक्सी डिपॉजिट तो ये सब पॉजिटिव निकल रहा है, और बैंक के पास भी राइट है टू सेट ऑफ द फ्लैक्सी डिपॉजिट अगेंस्ट द चेक इशूड, ठीक है, हैंस इट वुड बी मोर इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल फॉर द रीडर्स टू डिस्क्लोज द बुक क्रेडिट बैलेंस एज अ सेट ऑफ फ्रॉम द फ्लैक्सी डिपॉजिट, ठीक है, एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेट बुक क्रेडिट बैलेंस एज बुक ओवरड्राफ्ट अंडर दी हेयर करंट लाइबिलिटी, तो उसको ऐसा करंट लाइबिलिटी दिखाना ये सही नहीं है। रीडर्स के लिए भी बेनिफिशियल रही यही रहेगा कि अगर आपने नेट दिखाया हो तो, और अगर हम नेट में बात करें तो नेट में तो पॉजिटिव बैलेंस ही आ रहा है, बैंक के पास भी राइट है इसको जो है सेट ऑफ करने का, ठीक है, और नेट में करोगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है। अब सी हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कारो के आने वाले हैं, जैसे कि कारो है, ठीक है, कारो के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट, देन इसके बाद ओके डेप्रिसिएशन का क्या, चलिए करते हैं। क्या है एबीसी लिमिटेड इज़ इन प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट, तो वो क्या कर रहा है कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रहा है ओवर मिनिमम 14%, ठीक है, अब फाइनेंशियल या 17-18 में ना सिचुएशन होगी ख़राब, तो ये पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए फॉर मेंटेनिंग द पेमेंट ऑफ कंसिस्टेंट डिविडेंड एज अबव, तो मैनेजमेंट बीइंग होपफुल ऑफ रिकवरी ऑफ इट्स परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट ईयर, तो वो बोल रहे हैं कि हमको कंसिस्टेंट वो डिविडेंड हम पे नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी हालत अभी ख़राब है, पर हमको पता है कि हम नेक्स्ट ईयर तो हमारी परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी, तो अभी क्या कर रहे हैं कि
75% डेप्रिसिएशन अभी चार्ज कर रहे हैं, 25% डेप्रिसिएशन जो है अब इसको अलग अकाउंट में रख देते हैं, ठीक है, वो बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो मैनेजमेंट वॉज ऑफ व्यू दैट कि ये तो फेयर प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, अगर डेप्रिसिएशन इज चार्ज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ ऑफ असेट, ये बोल रहे हैं इट वुड बी इन फेयर प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इफ द डेप्रिसिएशन ऑफ असेट इज चार्ज, कि अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसके लाइफ की एक्सपायरी ख़त्म होने के पहले, भले ही हमने उस साल में नहीं किया हो, अगले साल में हम कर रहे हैं, पर कम से कम लाइफ के ख़त्म होने के पहले सारा डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप एनालाइज करो पर्टिकुलर इशू को, तो सिंपल सी बातें आई है, डेप्रिसिएशन आप ऐसे तो चार्ज करने से रहे, पर आप बोलने के लिए आपको सेक्शन 123 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो सेक्शन 123 इसलिए यूज़ करना, सेक्शन 123 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको डिविडेंड मेंटेन करने की बात करें, मतलब ये क्वेश्चन डिविडेंड का है, ठीक है। तो ऐसे केस में समझो ये बोल रहे हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बैड है, तो कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही है ना डिविडेंड का पेमेंट, तो ऐसे केस में कंपनी ये तरीके अपना रही है। तो देखो ऐसा है कि डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर और पेड बाय कंपनी डिक्लेयर या पे नहीं कर सकती एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइविंग आफ्टर प्रोवाइडिंग द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद 123, मतलब आपको जो है प्रॉफिट से ही डिविडेंड बांटना है और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ठीक है। तो प्रॉफिट और आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी देखो करंट ईयर का प्रॉफिट या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या ईयर्स का, पर वो भी डेप्रिसिएशन के बाद, ठीक है। अब ऐसे केस में जो है ये तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि डेप्रिसिएशन जो है प्रॉपरली चार्ज करे, तो ऐसे केस में प्रॉपरली तो चार्ज करना चाहिए ना, 100% डेप्रिसिएशन अलाउ करना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि अगर आप डेप्रिसिएशन प्रॉपरली चार्ज नहीं कर रहे हो, 25% जो है सेपरेट डाल रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना, ये कोई एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन हम डिविडेंड जब पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। एमकेसी एलएलपी एक न्यूली सेट एलएलपी है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा डिविडेंड का आता है, तो डिविडेंड का क्वेश्चन भी हम जो है डिविडेंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, तभी ज़्यादा समझ में ये आएगा, ठीक है। आओ क्या लिखा है कि पी क्यू एन कंपनी इज एन ऑडिट फर्म, ठीक है, ये एक ऑडिट फर्म है जिसमें पी एन क्यू पार्टनर है और फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टैचुटरी ऑडिटर, तो वो मैंगो की स्टैचुटरी ऑडिटर हुई है। अब वो जो ऑडिट फर्म है ना इज़ अ रेगुलर कस्टमर ऑफ द होटल, अच्छा ये कस्टमर भी है, पार्टनर उसी होटल में रहते भी है, ठीक है, स्टे भी करते हैं एट वेरियस लोकेशन इन कोर्स ऑफ ट्रैवलिंग फॉर देयर वेरियस प्रोफेशनल असाइनमेंट, ठीक है। तो रेगुलर कस्टमर उधर ही रहते हैं, प्रोफेशनल असाइनमेंट होता है तो उधर ही स्टे करते हैं, और जो पेमेंट है ना पेमेंट ऑफ सच स्टे आर सेटल अगेंस्ट क्वार्टरली बिल्स जो कंपनी रेस करती है, और पेमेंट जो है उससे सेटल हो जाता है कि वो इधर से रेस करती है उधर से सेटल हो जाता है, ठीक है। तो ऑडिट उसका ऐसे सेटलमेंट हो जाता है, तो सिंपल सी बात है यार, ऑडिट फर्म जो है वो होटल में देती है, तो ऐसे केस में वो इनडेप्टनेस क्रिएट हो रहा है ना, राइट। तो 141 का 3 का सबसेक्शन डी और सबसेक्शन ई हमको सोचना चाहिए। देखो 141 सबसेक्शन 3 में ऐसा रहता है कि अगर पर्सन या उसका रिलेटिव या पार्टनर, ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करता है 141 सबसेक्शन 3 के 1 में है, ठीक। 141 सबसेक्शन 3 में भी क्लॉज डी वो सब क्लॉज 1 में है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट। 2 में आता है इनडेप्टनेस, क्या अगर इनडेप्टनेस है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज़ इनडेप्टेड, तब कंपनी पे इनडेप्टेड हो और वो 5 लाख से ज़्यादा है या गारंटी इशू करिए 1 लाख से ज़्यादा, तो ये बोल रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा अगर जो है इनडेप्टनेस में एक्ट हो गए, तो इनडेप्टनेस में एंटर हो गए तो 5 लाख से ज़्यादा का इनडेप्टनेस से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर देखो अब ये तो इनडेप्टनेस का पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है कि रेगुलर कस्टमर हो आप, ठीक, तो आपने वो इनडेप्टनेस का पॉइंट ही गिना दिया कि इनडेप्टनेस है 1 लाख 5 लाख से ज़्यादा तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है, और आपको जो है डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया तो 141(4) लगा के आप वेकेट कर लो ऑफिस। और दूसरा है कि पर्सन या पर्टिकुलर फर्म का अगर बिजनेस रिलेशनशिप है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या कैश मतलब कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग, और एक और है एसोसिएट ऑफ सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट, इनके साथ बिजनेस
रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है, तो ऐसे केस में भी आप जो है ऑडिटर नहीं कर पा बन पाओगे। बट बिजनेस रिलेशनशिप में क्या इंक्लूड नहीं होता है, जैसे कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, तो ये वैसे बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आता। तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपने कमर्शियल ट्रांजेक्शन करे हैं आम लेंथ प्राइस पर करे हैं, तो एक ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कमर्शियल ट्रांजेक्शन आम लेंथ प्राइस पर करे हैं, तो ऐसे केस में जो है बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आता, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है वेयर द पर्सन हैज़ लिक्विडेटेड हिज डेब्ट बिफोर द अपॉइंटमेंट डेब्ट, अच्छा हाँ ठीक है, हम ये सब चीज़ें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर देखते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है कि इधर भी जो है पेमेंट ऐसे सेटल वेटल हो जाता है, ये हमको सब पता है, ठीक है। इधर एज्यूम करो कि जो बैलेंस अमाउंट है वो डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 5 लाख, वो 5 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 5 लाख से एक्सीड हो जाता, ठीक है, तो ऐसे केस में इनडेप्टनेस क्रिएट हो जाती, राइट। अपन ये मान लिया कि 5 लाख से ज़्यादा का डेप्ट नहीं है, और दूसरा ये है कि बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये तो एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, तो ऑडिटर जो है डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ओके। तो चलो, पर्ल लिमिटेड इज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन, वो एक्सपोर्ट करता है, और टर्नओवर 150 करोड़ है, 105 करोड़ तो एक्सपोर्ट बिजनेस है, और 45 करोड़ डोमेस्टिक सेल्स है। अब जो उसको अमाउंट रिसीव होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। अब डायरेक्टर्स ऑफ पर्ल लिमिटेड एक ओपिनियन में है कि, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस इज ऑल इन फॉरेन करेंसी। डायरेक्टर ऑफ पर्ल लिमिटेड आर ऑफ द ओपिनियन, वो उस ओपिनियन पे है कि जो कॉस्ट ऑडिट है वो एप्लीकेबल नहीं होता कंपनी पे, ठीक है, एज मैक्सिमम रिवेन्यू हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस। तो गिव योर ओपिनियन, तो बताओ ये कॉस्ट ऑडिट इस पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। सी कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाने के तुमको, ठीक है, पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, देखो सिंपल सी बात है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड तब बनाने पड़ जाएंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा, और यूजुअली जो है रूल 3 में ये बोलते हैं कि टर्नओवर अगर आपका 35 करोड़ से ज़्यादा है, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, अभी तो कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही है। तो कॉस्ट ऑडिट में ऐसा है कि अगर आपका रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट से जो रिवेन्यू है, ठीक है, वो टोटल रिवेन्यू का 75% से ज़्यादा है, 75% और मोर नहीं है, एक्सीड 75% है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है बकायदा, तो देखो बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे कंपनी अगर SEZ में है, या कंपनी जो है एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू है वो 75% से ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, तो उनको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में जो है ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। पर देखो पहले एक बार 150 करोड़ तो ये जो है 70% है, 75% नहीं है, हैंस इधर ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा, तो ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर टेनेबल नहीं है। तो कंपनी जो SEZ में है, कंपनी का वो रिवेन्यू वाला, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक है, फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ओके। अब देखो ABCN कंपनी ऑडिट फर्म है, उसमें AOBOC पार्टनर है, ऑडिट होल्डिंग अपॉइंटमेंट 4 से 10। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट इन द रिमेनिंग पूछ रहे हैं, तो भैया वैसे भी 20 है, 40 रिमेनिंग है, तो देख लो 20 ऑडिट तुम कर सकते हो, तो 40 रिमेनिंग है, ठीक है। मैक्सिमम इंडिविजुअल पार्टनर के रिस्पेक्ट में तो 16 4 10, ये हो गया आपका 16 4 10, ठीक है, 16 14 10, 16 14 और 10, ठीक है, ये लिखा हुआ है। कैन ABC एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन 60 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड ऑफ कैपिटल 100 करोड़ से कम है? देखो सबसे पहले तो आपको, अब देखो ये थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया, तो आपको 141 सबसेक्शन 3 के क्लॉज जी में जाना पड़ेगा। उसमें ऐसा बोला गया है कि ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप एक्सीडिंग 20% कंपनीज आप ऑडिट होल्ड नहीं कर सकते, पर हाँ डॉर्मेंट कंपनी एक्सेप्शन क्या है, डॉर्मेंट कंपनी OPC स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड ऑफ कैपिटल 100 करोड़ से कम है। तो क्या है, देखो 4 कंपनी, तो OPC स्मॉल, डॉर्मेंट और प्राइवेट कंपनी पेड ऑफ कैपिटल 100 से कम, तो इधर जो है 60 प्राइवेट कंपनी है, पेड ऑफ कैपिटल लेस देन 100 है, तो तुम कितना भी लो जिसने कोई डिफॉल्ट ही नहीं कराया। देखो प्राइवेट कंपनी भी अब वो अच्छी वाली होनी चाहिए, ठीक है, ओके, और दो स्मॉल कंपनी डॉर्मेंट कंपनी, तो तुम तो इसका लो ना असाइनमेंट, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सेप्ट असाइनमेंट, ये सारे असाइनमेंट एक्सेप्ट करो, गिनती में नहीं आएगा ये तो,
और याद रखना कि ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट ये सब नहीं है, सेक्शन 8 आ जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी आ जाएगी, ठीक है, वो काउंटिंग में आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो ये सब अच्छे लोग होना चाहिए कि मतलब अच्छे डॉर्मेंट कंपनी डज नॉट फेल टू फाइल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 132 और एनुअल रिटर्न 137 और अंडर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। चलो अगला, निक लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी, तो जो निक है ना वो अजंता की सब्सिडियरी है, हुज 20% शेयर हैव बीन हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो निक जो है वो अजंता का सब्सिडियरी है, हुज 20% मतलब कि उस निक के 20% शेयर हैव बीन हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 25 मतलब ये एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी हो गई, यार सिंपल सी बात है, ठीक है। और निक ने अपॉइंट करा प्रेम को, ठीक है, निक ने अपॉइंट करा प्रेम को, तो देखो सिंपल सी बात है, उसने अपॉइंट करा प्रेम को स्टैचुटरी ऑडिटर। अब देखो 1357 ये होता है 139 के सेक्शन, 13 होता है सब्सिक्वेंट का, 57 होता है फर्स्ट का, ठीक है। वो ये है गवर्नमेंट कंपनी, तो उसमें 1 और 5 होता है नॉन गवर्नमेंट का और 3 और 7 होता है गवर्नमेंट का, जैसे कि उसमें 1397 आ गया। अब पॉइंट आता है कि जब गवर्नमेंट कंपनी को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है, तो कैग अपॉइंट करती है 60 दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन हुआ 60 दिन के अंदर, कैग फेल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते 30 दिन के अंदर, नेक्स्ट डे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल तो मेंबर करते अगले 60 दिन में, राइट। तो इधर तो निक खुद अपॉइंट कर रहे थे, तो गलत हो गया ना, ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड ओनली बाय कैग। तो इधर आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कंपनी है, फिर उसका ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर है तो 1397 है, 1397 के सारा अपने प्रोविजन बताते हुए फिर ये बोला कि आप एक्सेप्ट मत करो अपॉइंटमेंट, क्योंकि इधर निक अपॉइंट कर रहा है। देखो कॉन्ट्रामिन लिमिटेड अपॉइंट सी ए इनोसेंट एज ऑडिटर फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, फर्दर कंपनी ऑफर्ड हिम सर्विसेज, उसने एक्चुअरियल सर्विसेज भी दी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, बैंकिंग सर्विसेज भी दी, ठीक है, तो नहीं दे सकता, तो 144 की सर्विसेज जो है आप सर्विसेज नहीं दे सकते, तो सेक्शन 144 में सर्विसेज देके रखिए कि ये सर्विसेज ऑडिटर जो है रेंडर नहीं कर सकता, और अगर रेंडर करी तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो 141 सबसेक्शन 3, ठीक है, क्लॉज एच क्लॉज आई, ठीक है, तो कि पर्सन जो है सर्विसेज नहीं दे सकता, मतलब ऑडिटर ये सर्विसेज कंपनी को नहीं दे सकता। मैं वो डीप में बात करता हूँ कि इसमें जो है ऑडिटर और उसका एसोसिएट, सिर्फ ऑडिटर ही नहीं, ठीक है, उसका एसोसिएट भी पर्सन, ठीक है, ऑडिटर या एसोसिएट, वो 144 की सर्विसेज जो है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये जो ऑडिटर है या उसका एसोसिएट है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सर्विसेज नहीं दे सकता, ठीक है, किनको, कैश को, पर कैश में भी इधर एसोसिएट नहीं आता है, याद रखना इधर एसोसिएट नहीं आता है, ठीक है, मतलब एसोसिएट को दे सकता है, इन द सेंस कि मैं बता रहा हूँ कि 144 की सर्विसेज क्या है। एक तो है इसमें बैड माफिया, ठीक है, तो बैड माफिया कैसे हो गया, बी से बुक कीपिंग हो गया, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, ए से है अपना एक्चुरियल सर्विस या एडवाइजरी सर्विस, डी से डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम से हो गया मैनेजमेंट सर्विस, ए से हो गया एडवाइजरी सर्विस, राइट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एडवाइजरी सर्विस, एफ से हो गया अपना फाइनेंशियल सर्विस, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, तो आप आउटसोर्स कोई फाइनेंशियल सर्विसेज है आप उसको रेंडर कर रहे हो। फिर एक आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट, इन सब की बातें, ठीक है, ये हो गया हमारा, और ठीक है ए से अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, एडवाइजरी, एक्चुरियल, ये सब आ जाता है, ठीक है, तो बैड माफिया इधर आ जाता है, तो ये आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते। तो और 141 सबसेक्शन 3 का आई भी बोलता है कि ये डिस्क्वालीफाई कर देगा अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्विसेज दे रहे हो, तो इफ़ एनी पर्सन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली करी, तो देखो डायरेक्टली तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, इनडायरेक्टली भी समझ में आ गया कि उसका रिलेटिव, ठीक है, पर इनडायरेक्टली में एक चीज़ और है, जैसे फर्म में भी वो पर्सन, उसका पार्टनर, इनके रिलेटिव जो भी है, पर इनडायरेक्टली में वो लोग भी है, वो एंटिटीज भी है जिसमें हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, या वो एंटिटी भी है जो हमारा ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज़ कर रही है, या वो एंटिटी जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दो एंटिटी ऑल्सो कवर हुज ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज बाय फर्म पार्टनर जो भी इंडिविजुअल है। तो ट्रेडमार्क, ब्रांड आ गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, और डायरेक्टली इनडायरेक्ट में रिलेटिव तो आ गया।
तो उसको एडवाइस दी गई है कि आप ये सर्विसेज को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। अब भूषण लिमिटेड ने, विश्व लिमिटेड ने डिसाइड किया तो अपॉइंट राजवीर चार्टर्ड अकाउंटेंट एज द ब्रांच ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ लखनऊ ब्रांच, ठीक है, तो लखनऊ ब्रांच का कर। द डिसीजन टू अपॉइंट ब्रांच ऑडिटर वॉज, देखो भूषण लिमिटेड ने किया, ठीक है ना, अपॉइंट। अब डिसीजन टू अपॉइंट ब्रांच ऑडिटर वॉज टेकन बाय बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। प्रिंसिपल ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन रेज करा दैट ब्रांच ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड विदाउट हिज कंसेंट। तो क्या प्रिंसिपल ऑडिटर की कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्रांच ऑडिटर का सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 है, 148 नहीं है, क्योंकि 148 तो कॉस्ट ऑडिट का है। देखो अब समझो, 140 सबसेक्शन 8 जो है, जो ब्रांच ऑडिट के बारे में बात करता है, और जो कंपनी ऑडिटर को जो भी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन है वो सब ब्रांच ऑडिट को लगती है, ठीक है। अब जो ब्रांच ऑडिट है, देखो ब्रांच का अगर आपको ऑडिट करना है, सिंपल सी बात है, तो ऑडिटर जो है कंपनी ऑडिटर भी हो सकता है, दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं, पर वो क्वालिफाइड हो अंडर सेक्शन 141, मतलब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। और अगर बाहर की ब्रांच है तो अदर पर्सन क्वालिफाइड इन द लॉस ऑफ दैट कंट्री, वो भी हो सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है कि इधर आप ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो एक तरीके से भीष्म लिमिटेड ने वैसे ही प्रिंसिपल ऑडिटर तो एक अपॉइंट करके रखा हुआ, ये एक ब्रांच ऑडिटर भी अपॉइंट कर रहा है, तो एक तरीके से इधर जो है ये फर्स्ट ऑडिटर का केस नहीं होगा, ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का केस होगा, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, राइट। अब सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट है तो 1357 तो 139 सबसेक्शन 3 लग जाएगा, सॉरी 1357 तो 1 है नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ओके 139 सबसेक्शन 1 लग जाएगा। और 139(1) तो यही बोलता है कि जो है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पहली एजीएम में अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट एजीएम में, और वो होल्ड करता है दैट द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, तो ठीक है, इधर भी ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए हो गया हमारा। अब यही जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर अगर गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर ये सब्सिक्वेंट ऑर्डर होता है, तो ऐसे केस में जो है सब्सिक्वेंट ऑर्डर में, जैसे कि हम इधर बोलते हैं फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करेंगे दैट द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, तो इधर तो ऐसा 5 साल का टेन्योर है नहीं, उधर जो है गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट नहीं करती। जैसे कि इधर इधर कंपनी में अपॉइंट करना हो तो एक एजीएम में हो जाता है ना, इधर गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट नहीं करती, इधर कैग करती है अपॉइंट, और फिनेंशियल ईयर कमेंसमेंट के 180 दिन के अंदर अपॉइंट कर दो, ठीक है, और नेक्स्ट एजीएम तक इसका कंक्लूजन रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक इसका जो है टेन्योर रहता है, तो ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना तो जनरल मीटिंग कुछ भी नहीं, कैग इधर आता है, गवर्नमेंट कंपनी है तो इधर कैग आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर में भी अगर अपन बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, चालू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में अपॉइंट करता है, अगर नहीं तो मेंबर 90 डेज में करते हैं, पर इधर भी सबसे पहले कैग आता है कि कैग 60 में, फिर BOD 30 दिन में, देन फिर मेंबर 60 में, ऐसा रहता है। अब देखो डायरेक्टर ऑफ अल्फा लिमिटेड इज ऑफ ओपिनियन दैट जो पेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इज सफिशियंट डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट एज पर पार्ट वन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो पेबल आपने मेंशन कर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी है, आपने एमएसएमई की डिटेल्स नहीं डाली, तो समझो हमको तो पेबल्स दो तरीके से दिखाने हैं, एमएसएमई और अदर देन एमएसएमई, ठीक है, तो एज एन स्टैचुरी ऑर्डर आपको व्यू देना है। तो ऐसा है कि एमएसएमई के बारे में दे डिड नॉट मेंशन डिटेल्स ऑफ एमएसएमई, पर ऐसा बोल के रखा है कि भाई एमएसएमई के बारे में ये सब डिटेल्स रहती है, फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू एमएसएमई शैल बी डिस्क्लोज इन ट्रेड पेबल सी। तो क्या बोल रहे हैं कि टोटल ट्रेड पेबल मेंशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इज सफिशियंट डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सफिशियंट डिस्क्लोजर है, दे डिड नॉट मेंशन डिटेल्स ऑफ एमएसएमई, आपने सिर्फ टोटल ट्रेड पेबल दिखा के अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर दिया, बोल दिया कि चलो यही काफ़ी है यार, बैलेंस शीट में दिखाया है ये काफ़ी, पर अपने एमएसएमई की डिटेल्स नहीं दिखाई। गिव योर व्यू एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ अ कंपनी, आप अपने व्यू बताओ कि ये क्या काफ़ी है, एक तो ट्रेड पेबल के रिस्पेक्ट में व्यू दिखाना है, दूसरा स्टेटेड डिटेल्स रिक्वायर टू बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स, एक तो ट्रेड पेबल है और एक है कि नोट्स में क्या डिस्क्लोजिंग होगी। देखो इसमें अगर देखा जाए तो हमको क्या क्या चीज़ें वो नोट्स में बतानी चाहिए, कि सबसे पहले तो जो जो ठीक है जो ईजी है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, जो हमको पे करना है सप्लायर को, तो उसको सेपरेटली बताओ कि देखो सप्लायर को इतना प्रिंसिपल पे करना है, इतना इंटरेस्ट पे करना है। और एक है कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो बियॉन्ड द अपॉइंटेड डे, ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है ना वो आप पे कर रहे हो बियॉन्ड द अपॉइंटेड डे, ठीक है, क्या आप ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। ये फिर एक आता है कि इंटरेस्ट पे बाय बायर, तो ये समझ में नहीं आता है कि इंटरेस्ट जो बायर ने पे करा है, ठीक है,
तो चलो ठीक है, ये जो चीज़ें रटने की वो रट लो कि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल सेपरेटली पे कर रहे हैं सप्लायर को, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पे बाय बायर और इंटरेस्ट हम सप्लायर को पे कर रहे हैं बियॉन्ड दी अपॉइंटेड डे, इधर भी यही है बियॉन्ड दी अपॉइंटेड डे, तो इधर तो जो इंटरेस्ट है वो इधर भी बियॉन्ड दी अपॉइंटेड डे है, इधर भी बियॉन्ड दी अपॉइंटेड डे है, पर इधर का जो बियॉन्ड है ना इसके साथ ये भी है कि फॉर द पीरियड ऑफ डिले, फिर ये बोल दिया फिर इंटरेस्ट एक्रूड और अनपेड है एट दी एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो इस तरीके से पॉइंट्स बोल के रखें, इंटरेस्ट पेबल टू सप्लायर, इंटरेस्ट एट दी एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इंटरेस्ट पे बाय बायर, इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर बियॉन्ड दी अपॉइंटेड डे, इंटरेस्ट पे फॉर द डिले पेमेंट बियॉन्ड दी अपॉइंटेड डे, इस तरीके से है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी ए जी वॉज अपॉइंटेड, वन सेकेंड, सी ए जी वॉज अपॉइंटेड बाय डी पी, ठीक है, तो जी को किसने अपॉइंट किया, डी पी ने अपॉइंट किया, तो सी ए जी वॉज अपॉइंटेड बाय डी पी एज स्टैचुरी ऑडिटर, बाय डूइंग ऑडिट ऑफ डी पी, जी ने ऑब्जर्व करा कि कुछ लोन्स एंड एडवांसेस वर मेड, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस करे हैं बिना सिक्योरिटी के, और अपना जो है 143 सबसेक्शन 1 में पहला पॉइंट यही होता है प्रॉपर्टी मैटर्स में कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस जो भी कर रहे हैं क्या वो विदाउट सिक्योरिटी है, नहीं तो हम उसको ऐसा नहीं पूछते, हम ऐसा पूछते हैं कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो क्या सिक्योरिटी के बेसिस पे हुए हैं, मतलब हम पॉजिटिव बेसिस पे पूछते हैं, ये नहीं बोलते कि क्या लोन्स एंड एडवांसेस बिना सिक्योरिटी के, हम इनफैक्ट ये पूछते हैं कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी के बेसिस पे है, ठीक है, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, ठीक है, तो जो लोन्स एंड एडवांसेस हम दे रहे हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है और इनके जो टर्म्स है वो प्री जुडिशियल टू नहीं है, बेटा टर्म्स आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, राइट, तो देखो ये लिखा हुआ है कि सर्टन लोन्स एंड एडवांसेस वर मेड विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी, सर्टन ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल वो एडजस्ट हुए हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल एडजस्ट हुए हैं इंटर से, अब वो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल इंटर से मतलब बुक एंट्रीज हो गई, ठीक है, और पर्सनल एक्सपेंसेस जो है रिवेन्यू में चार्ज हो गए, राइट, ये तीन पॉइंट्स हैं, तो ऐसे कैसे समझो, तो हम एक चीज़ ये भी पूछते हैं कि वेदर जो बुक एंट्रीज है, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो रिप्रेजेंट बाय बुक एंट्रीज है क्या वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज, तो समझो इधर सर्टन मैटर्स जो है दे के रखे हैं 143(1) में ऑडिटर को इंक्वायरी करनी पड़ती है, ठीक है, सिंस द लॉ रिक्वायर्ड ऑडिटर टू मेक द इंक्वायरी, इंस्टीट्यूट ने ओपाइन कराया है कि ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर, ठीक है, ऑडिटर लॉ ने बोला है ऑडिटर को सिर्फ इंक्वायरी करने का, तो आप मैटर्स पे रिपोर्ट तभी करोगे जो जब वो नेगेटिव हो, जब वो एडवर्स हो, ठीक है, जैसे केस में इफ़ द ऑडिटर सेटिस्फाई एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी, अगर वो इंक्वायरी करके सेटिस्फाई होता है, क्योंकि इधर ये सिर्फ इंक्वायरी करनी है, ठीक है, ऑडिटर हैज़ टू मेक एन इंक्वायरी ऑन द स्पेसिफाइड मैटर्स, तो अगर वो इंक्वायरी करके सेटिस्फाई होता है तो उसकी फर्दर ड्यूटी नहीं होती है रिपोर्ट करने की, ठीक है, तो ऐसे केस में समझो सिंपल सी बात है, ये मैटर्स है जिसको ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है, ठीक है, सेटिस्फाइड होता है तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम रिपोर्ट करेंगे, अब रिसर्च कमेटी क्या बोलता है, देखो क्या रिपोर्टिंग तभी करनी है, रिसर्च कमेटी ये बोलता है कि आपको रिपोर्टिंग तभी करनी है, ठीक है, जब स्पेशल कमेंट है, ठीक है, स्पेशल कमेंट टू मेक ऑन एनी ऑफ द आइटम्स रेफर टू देयर इन, इफ ही सेटिस्फाइड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर वो सेटिस्फाई होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी इसकी कोई फर्दर ड्यूटी नहीं होती है तो रिपोर्ट करना, अगर वो सेटिस्फाइड है तो, ठीक है, ये हो गया, इन सच अ केस द कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट विल रिमेन एक्जैक्टली द सेम एज ऑडिटर हैज़ टू इंक्वायर एंड अप्लाई हिज माइंड टू द इन्फॉर्मेशन इलिसिटेड बाय द इंक्वायरी इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट एनी रेफरेंस नीड्स टू बी मेड, सिंपल सी बात है, नॉर्मल चीज़ें हैं कि एडवर्स हो तभी इंक्वायरी, तभी आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो समझो अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि ऑडिटर को जैसे इंक्वायर क्या करना है कि क्या लोन्स एंड एडवांसेस क्या सिक्योरिटी पे है, क्या लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो सिक्योरिटी है क्या, ठीक है, तो लोन्स एंड एडवांस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है कि नहीं, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस इशू करे हैं ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, राइट, फिर टर्म्स एंड कंडीशन जो है क्या प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मेंबर, ठीक है, तो लोन्स एंड एडवांस जो है क्या प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है और टर्म्स एंड कंडीशन क्या प्री जुडिशियल है, ये हो गया, तो ऐसे केस में अगर आपको लग रहा है कि अगर लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में एडवांस कमेंट जाएगा तो आप ये रिपोर्ट करो, फिर ये हो गया, तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द ऑडिटर फाइंड दैट द लोन्स एंड एडवांसेस हैज़ नॉट बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड ही मे एंटर एन एडवर्स कमेंट इन द रिपोर्ट बट कैन नॉट प्रोबेबिलिटी डाउट द ट्रू व्यू ऑफ अकाउंट्स, या क्या बोल रहे हैं, बट कैन नॉट प्रोबेबिलिटी डाउट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाउट करने लग जाए ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स, मतलब तुम डाउट नहीं करोगे ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू सो लॉन्ग अगर ये जो है लोन्स एंड एडवांसेस हमने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करके रखे हैं, प्रेजेंट करके रखे हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो फिर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है,
हाँ लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इधर इसको रिपोर्टिंग करे, इससे आपको एक डाउट क्रिएट हो गया ऑन द ट्रू व्यू ऑफ अकाउंट। अगर आपने रिपोर्टिंग करी है तो फिर क्यों डाउट। वो ये बोल रहे हैं कि देखो एक एडवर्स कमेंट एंटर करना दैट डजेंट मीन कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स पे डाउट है, एज लॉन्ग एज अगर लोन्स एंड एडवांसेस को प्रॉपरली डिस्क्राइब और प्रेजेंट किया है एज पर दी शेड्यूल 3, तो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू पे डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये जो एडवर्स कमेंट इधर कर रहे हैं इससे आपके ऑडिट रिपोर्ट का क्वालिफिकेशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और फिर वही है कि फिर एक और आपको इंक्वायरी करनी कि क्या प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मेंबर, अगर वो प्रीजुडिशियल निकल रहा है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यही ट्रेड डिसेबल सेकंड पॉइंट अपना जैसे होता है कि ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्री, क्या वो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। अब आप देखोगे ना ऐसे केस में तो जैसे कि ये जो है वो प्रीजुडिशियल है कि क्रेडिटर और डेटर को आप सेट ऑफ कर रहे हो, तो ये तो प्रीजुडिशियल ही है। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने जो है पर्सनल एक्सपेंडिचर को जो है रिवेन्यू जैसे चार्ज करके रखा है। तो जैसे हमारा हो गया एक लोन्स एंड एडवांसेस का, एक हो गया हमारा बुक एंट्री का, तीसरा हो गया हमारा वापस से शेयर्स का, तीसरा है शेयर्स का, ठीक है, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है शेयर्स और सिक्योरिटी में और अगर आप उसको सेल कर रहे हो लेस देन परचेस प्राइस पे, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर वेदर लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट दे के से दिखा के रखा है, ये हो गया। और फिर उसके बाद जो है पर्सनल एक्सपेंडिचर, वेदर पर्सनल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू जैसे चार्ज करके रखा हुआ है, तो देखो इधर भी जैसे कि दिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रिवेन्यू, तो ऐसे केस में ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ेगा, उसको MOA, इसको AOA देखना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस देखने पड़ेंगे, राइट। चलो कॉन्ट्रैक्ट में देख रखा है, ठीक है, बिजनेस प्रैक्टिसेस है क्या, कस्टमरी प्रैक्टिसेस है क्या, इसको अपॉइंटमेंट टर्म्स ऑथराइजेशन ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है या बिजनेस प्रैक्टिसेस है तो, ठीक है। और ऐसे केस में जो है तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो ऐसे केस में पर्सनल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू में चार्ज करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस प्रैक्टिसेस है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। अदरवाइज जो है ये कमेंट आप एडवर्स कमेंट करोगे, ठीक है। वो बनती बात है कि अगर आपको इस पे जो एडवर्स कमेंट लग रहे हैं और अगर ये मटेरियल दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आप मटेरियल दिख रहे हैं एडवर्स कमेंट, तो आप इस पे इसके बेसिस से रिपोर्ट क्वालिफाई कर दोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ठीक है, तो यू फाइंड दैट एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ MCA रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ इन डेज कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इन डेज मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज ऑफ स्ट्रॉन्ग व्यू डेट सेक्शन 8 कंपनी का तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है तो इन डेज अप्लाई नहीं होगा, तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो गैप के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, तो क्या इन डेज के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि गैप के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, राइट। देखो समझो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इन डेज, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, अगर वो कंप्लाई कर रहे हैं AS को, ठीक है, तो अगर वो कंप्लाई कर रहे हैं AS को और उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बने जो शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है, ठीक है। आइटम जो कंटेन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो मतलब कि प्रेजेंटेशन जो लेआउट है फॉर्म शेड्यूल 3 का और प्रेजेंटेशन AS के मुताबिक, सेक्शन 133 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है इन डेज, ठीक है, और सेक्शन 133 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर लेके रखे हैं, तो ऐसे केस में कंपनी जो कवर्ड है सेक्शन 8 में उनको भी कंप्लाई करना है कंपनीज एक्ट, ठीक है, उनको भी कंप्लाई करना है द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अनलेस कोई एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी हो तो, ठीक है, और इनको भी जो है इंडेक्स लगेगा। तो ऐसे केस में ऑडिटर इसको सेक्शन 8 को भी इंडेक्स लगेगा, बट आप ये देखो कि बाकायदा मॉनिटरी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, तो प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द इंडेक्स, पर ऐसे केस में आपको मॉनिटरी लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि जो पेट्रोल लिमिटेड है इज इंगेज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। अब देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैप्टिव कंजम्पशन कॉस्ट ऑडिट से तो एग्जेम्प्ट है, पर कंपनी मेंटेन करते कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। ज़ायलो जो फ्रेंड है MD का सजेस्ट नेम ऑफ हिज ब्रदर जो कॉस्ट अकाउंटेंट है फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। हाउएवर स्टैचुटरी ऑडिटर का ये मानना है कि कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट, MD इन डिलेमा क्या कॉस्ट ऑडिट कराए कि नहीं कराए। बींग एन एक्सपर्ट इन कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट टूल्स यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड। सी कॉस्ट रिकॉर्ड आपको बनाने देते हैं जब आपका टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। और रही बात कॉस्ट ऑडिट की, तो कॉस्ट ऑडिट में आपको आपका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, ठीक है, तो रूल 3 ऑफ द कंपनी प्रोवाइड क्लास ऑफ कंपनीज जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के हैं,
और हाउ आर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट इन इन लोगों पे नहीं है। अब किन पे है वो हम नहीं पढ़ेंगे, किन पे नहीं है वो बातें कर लेते हैं, क्योंकि बात ही जो है एक्सेप्शन की चल रही है। तो जिनके रिवेन्यू एक्सपोर्ट से होते हैं और टोटल रिवेन्यू का 75% से ज़्यादा एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है, और रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, सी अगर आप देखो रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, तो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आप ऐसी रेट में हो या जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो कैप्टिव कंजम्पशन, तो ऐसे केस में जो है कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। तो जो स्टैचुटरी ऑडिटर का ओपिनियन है वो करेक्ट है। अब देखो AKB एसोसिएट एक रिनोन ऑडिट फर्म है, CA इन प्रैक्टिस ऑफ फॉर द पास्ट टू डिकेड, द फर्म वॉज अपॉइंटेड टू कंडक्ट, फर्म को अपॉइंट किया है कि आप स्टैचुटरी ऑडिट करो रिका का, जो कंडिस्टेड कंपनी है और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में है। तो उसने ऑडिट कमेंस करा, ठीक है, आफ्टर मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दी ऑडिट उसने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करे कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करा है फाइनेंशियल्स में डेट ड्यूरिंग द ईयर वन ऑफ द वेयर हाउस जो है वो अफेक्ट हो गया ड्यू टू मेजर फ्लड, तो कंपनी को लॉस हुए, पर वेयर हाउस गिरा है, फ्लड है, कंपनी को लॉस हुआ है, पर वो जो है मैनेजमेंट के हिसाब से ये इतना भी मटेरियल नहीं है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि इतना मटेरियल नहीं है, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, पहले ये देख लो कि वेयर हाउस जो है अफेक्ट हुआ है और लॉस हुआ है कंपनी को वेयर हाउस से, तो सबसे पहले ये इधर क्यों आ गया, बट फिर भी इसको इधर दिखा दिया पता नहीं क्यों, पर चलो ठीक है। अब इधर क्या देख रखा है कि ऑडिटर को ऐसा ऐसा 706 लगा दिया, क्या बोलते हुए सी क्या लिखा हुआ है कि इफ इज द मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट रेफर्स टू द मैटर, वो उन मैटर्स को रेफर करता है जो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है फिनेंशियल्स में और वो मटेरियल है और फंडामेंटली जुड़े यूज़र अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो हम इसको डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है इसको EOM पैरा में दिखाना चाहिए, राइट। सी मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये मटेरियल नहीं है, ठीक है, बट मैनेजमेंट ने ये मानो कि मैनेजमेंट ने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है, तो ये 706 का मैटर हो गया कि वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ठीक है, वो मैटर जो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मानो कि प्रॉपरली एडिक्वेटली डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है प्रॉपरली डिस्क्लोज थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ये फंडामेंटल टू जो यूज़र अंडरस्टैंडिंग है, तो इधर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि ड्यू टू फ्लड कुछ रिकॉर्ड्स जो कंपनी मेंटेन करती थी वो डिस्ट्रॉय हो गए और कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी नहीं है, पर वो डिटेल्स वो जो है ये मैनेजमेंट नहीं बोलता है, ये खुद ही ये बता रहे हैं क्वेश्चन में कि डिटेल्स इतनी परवेसिव या मटेरियल नहीं है, ठीक है। अब समझो रिकॉर्ड्स तो गए, राइट, तो ऑडिटर एविडेंस तो गैदर नहीं कर पाया, पर वो परवेसिव नहीं है, मटेरियल था पर परवेसिव नहीं है। अब देखो ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस, ठीक है, तो ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड वेयर सच मैटर इज मटेरियल, पर वो मटेरियल था मैटर पर वो परवेसिव नहीं था, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो उस मैटर के रिस्पेक्ट में एविडेंस नहीं गैदर कर पा रहे हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर देंगे। तो सी हमने जो है पर्टिकुलर इसको हमने इनकॉर्पोरेट भी कर लिया कि चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। हाउएवर हम इसको ऐसे 700 की सीरीज़ में देखेंगे ही देखेंगे। इधर बस एक एज्यूम करना है कि जो वेयर हाउस लगा लॉस है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तभी जाकर जो है एडिक्वेटली डिस्क्लोज था, तभी जाके ये इंफेसिस ऑफ मैटर आएगा, क्योंकि वो मैटर इंफेसिस ऑफ मैटर उन मैटर्स को रेफर करता है जो एडिक्वेटली डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड वो मटेरियल है एंड वो फंडामेंटल है टू द यूज़र अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बाकी जो है स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है रिपीट वाला क्वेश्चन है, इस चीज में बहुत सारे एरर थे, राइट। फिर ये AS 15 का क्वेश्चन आ गया रिपीट, AS 13 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमको कोई लेना देना नहीं, डिविडेंड का क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब 1 सेकेंड, ओके, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, MG Limited seek your advice while preparing फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन इसको दे दो, और जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में जनरल इंस्ट्रक्शन दे दो कि कब कौन सा एसेट जो है करंट होता है और कब कौन सा जो है करंट लाइबिलिटी होता है, तो आप प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एसेट और लाइबिलिटी, तो यार ये सब आप एक बार इंस्ट्रक्शन बता दो।